हे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बियर्स पावर्स प्लस बुल पावर प्लस पैराबोलिक सार की स्ट्रैटेजी। फिलहाल के मार्केट में काफी अच्छी वर्क कर रही है। आपने ऑफ कोर्स पहले भी यूज की होगी, बट अभी के टाइम पे काफी अच्छी वर्क कर रही है। जैसा कि मैं आपको हमेशा से कहता हूं, कोई भी स्ट्रैटेजी परमानेंट नहीं होती है, स्ट्रैटेजी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू इंपैक्ट। तो यहां पे ये जो स्ट्रैटेजी है काफी अच्छी वर्क कर रही है। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं कैसे आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं लाइव ग्राफ के ऊपर, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के सिग्नल्स के लिए। तो चलिए डायरेक्टली आते हैं पीसी की स्क्रीन पे। यहां पे आप देख सकते हैं मैं ओलिम ट्रेड के लाइव अकाउंट से लॉग इन हूं। यहां पे मेरी जो करेंसी है फिलहाल के टाइम पे कमोडिटी कंपोजिट इंडेक्स है, जिसका रिटर्न 82% आप देख सकते हैं। यहां पे ग्राफ पे ऑलरेडी जो स्ट्रेटजी है वो अप्लाइड है, तो मैं इसे एक बार हटा देता हूं, देन अगेन मैं इसे लगाऊंगा, यानी कि अप्लाई करते हैं और आपको भी बताता हूं कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जाना है इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे। यहां पे आपको मिलेगा पैराबोलिक, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी होती है 0.02, इसको आपको चेंज करके कर देनी है 0.06। कलर्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर आना है नीचे ऑक्सीलेटर के सेक्शन पे और यहां पे आपको सेलेक्ट करना है बुल्स पावर एंड बियर्स पावर। ये कस्टमाइज्ड नहीं है, यानी कि ये आपको जो बाय डिफॉल्ट मिलता है उसी वैल्यू के साथ रखना है। एक चीज और बता देता हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहां पे मैं लेने वाला हूं $1000 की ट्रेड, यानी कि नियर बाय 70,000 रुपीज। अगर मैं 70 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से भी कैलकुलेट करूं तो इतना पैसा हो जाता है भाई, इतनी बड़ी ट्रेड लेने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो भाई थ्रिल रहेगा, मजा आएगा, प्लस स्ट्रैटेजी आपको सीखने को मिलेगी, आपको समझ आएगा स्ट्रैटेजी को एग्जैक्टली आप कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप मिस करते हैं तो ये सारी चीजें नहीं होगी भाई, ठीक है। तो अब डायरेक्टली आते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो यहां पे अभी फिलहाल के लिए मुझे एक सिग्नल मिला है अपर डायरेक्शन के लिए, बट इसको अभी फिलहाल के लिए पॉज पे रखते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं इसे कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले दो तरीके से सिग्नल्स आप यहां पे ले सकते हो, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो हम बात करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के सिग्नल के लिए। तो यहां पे एक अच्छी सी कंडीशंस मुझे दिख रही है, तो सबसे पहले हमें जो कॉन्फर्मेशन लेना है वो लेना है पैराबोलिक सार की तरफ से। ओके, तो पैराबोलिक सार आप पिंक कलर के छोटे छोटे डॉट्स देख सकते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन के सिग्नल्स के लिए यहां पे ये जो पिंक कलर के डॉट्स हैं ये ग्रीन कलर की कैंडल के नीचे होने चाहिए। ओके, नीचे की तरफ। जैसे ये डॉट आपको नीचे की तरफ दिखते हैं और आपको एक स्लोप बनते हुए दिखता है, जैसे देखिए पहली कंडीशन हमने क्लियर कर ली है वो ये है कि ग्रीन कलर की कैंडल के नीचे हमें रेड कलर का यानी कि पिंक कलर का एक डॉट मिलना चाहिए, हमें मिल गया। सेकंड हमें कंफर्मेशन चाहिए बुल्स पावर से, तो यहां पे देखेंगे एग्जैक्टली इस जीरो लेवल से ऊपर हमारा ट्रेंड लाइन होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी हमारी यहां पे मेट होती है। थर्ड अगर हम बात करते हैं बियर्स पावर की, तो यहां पे भी एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे जीरो लेवल से हमारा जो ट्रेंड लाइन है पर्पल कलर का ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, बट इस पर्टिकुलर टाइम पे और इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये एग्जैक्टली ये कंडीशन हमें नहीं मिल रही है, हमें नहीं मेट कर रही है हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है। तो हम यहां पे ट्रेड नहीं लेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, हम वेट करेंगे इस पर्पल कलर की जो ट्रेंड लाइन है इसका जीरो लेवल की लाइन से ऊपर आने का। ओके, तो यहां पे हम नहीं ले सकते ट्रेड और इस पॉइंट पे भी हम नहीं ले सकते और इस पॉइंट पे हम ये ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ट्रेड लेनी है इसकी ओपनिंग पे इस कैंडल की। और कितने मिनट की ट्रेड लेनी है? 5 मिनट्स की ट्रेड लेनी है, इंपॉर्टेंट। तो भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत सारी रिसर्च के बाद निकलता है कि आप कितने मिनट की ट्रेड लेना आपके लिए सही रहेगा, ग्राफ की जो टाइमिंग है वो कितने मिनट की होनी चाहिए और कैंडल का जो पैटर्न है वो क्या होना चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए या डिफॉल्ट वैल्यू के साथ जाएं, मार्केट को किस तरीके से रिएक्ट करेगी, आपकी स्ट्रेटजी कब तक चलेगी, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। लाइक कॉमेंट एंड शेयर करके अपना एप्रिसिएशन जरूर देना एंड एक बार और याद दिला देता हूं लास्ट तक जरूर देखना। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैं लूंगा 5 मिनट की अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड, 1 2 3 4 5 विल विन द ट्रेड। ओके, अब ये कंडीशन यहां पे मेट हो जाती है। अब मैं आता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन के सिग्नल के लिए। तो यहां पे आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो पहला हमारा जो पॉइंट आता है या पहला कॉन्फर्मेशन आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, वो हमें मिलेगा पैराबोलिक सार की तरफ से। तो पैराबोलिक सार का जो कॉन्फर्मेशन वो इस तरीके से है कि हमारी जो कैंडल होगी उसके ऊपर हमें पॉइंट चाहिए पैराबोलिक सार का,
पिंक कलर का जो डॉट है हमारी कैंडल के ऊपर हमें चाहिए। इस पर्टिकुलर फ्रेम में, इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर आप एक डॉट देख सकते हैं, पहला डॉट। अब मैं जाऊंगा डायरेक्टली मेरे बुल्स पावर के पास। ये जीरो लेवल से नीचे होना चाहिए, ऑफकोर्स जीरो लेवल से नीचे है। फिर आता हूं बियर्स पावर के पास, ये भी जीरो लेवल से नीचे है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है, यानी कि ये हमें कैंडल फॉर्म हुई जिसके बाद हमने ये दो चीजें चेक की। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कैंडल पे और यहां पे हम ट्रेड लेंगे 5 मिनट्स की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जस्ट काउंट कर लेते हैं क्योंकि अभी ग्राफ का जो टाइमिंग है वो 1 मिनट है। ओके, 1 2 3 4 5, यानी कि इस कैंडल के फिनिशिंग पे। ओके, सो हम क्लियरली विन करते। तो अब मुझे लगता है इतनी सारी चीजें मेरे बताने के बाद आप इतना क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेनी है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए और किस तरीके से हमें ट्रेड लेनी है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि हमें कब ट्रेड नहीं लेनी, यानी कौन सी ऐसी कंडीशन है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन कि जब हमारी दोनों कंडीशंस में से, यानी कि बुल्स पावर बियर्स पावर्स में से एक भी इंडिकेटर हमारी सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिएक्ट नहीं करता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए, बिलो जीरो या अबव जीरो लेवल, यानी ग्राउंड लेवल, हम जीरो को ग्राउंड लेवल बोल सकते हैं। तो अगर उसके ऊपर या उसके नीचे हमें चाहिए और हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो नहीं मिल रहा है, तो दैट टाइम हमें ट्रेड नहीं लेनी है। हमें वेट करना है सिचुएशन का, एंड वेट करने के बाद हमें ट्रेड लेनी है। तो ये एक बात है, वो ऑफ कोर्स याद रखो। और हमेशा याद रखो, जब भी आपको एक स्लोप मिले ऊपर की तरफ या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट टाइम आपको 5 मिनट की ट्रेड लेनी है। अगर हमारी ये तीनों कंडीशन मेट करता है पर्टिकुलर टाइम पे, एग्जैक्ट रियल टाइम पे जो ग्राफ है वो। ओके, अब आगे चलते हैं। ओके, यहां पे अभी फिलहाल जो है एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें काफी अच्छा इंडिकेशन मिला था, बट हमने मिस कर दिया। नो इश्यू, यहां पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था अपवर्ड डायरेक्शन का, वी मिस्ड इट। ओके, अब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जा नहीं सकते बिकॉज पैराबोलिक सार जो है वो हमें इंडिकेशन दे रहा है, बट हमारी दोनों ही बुल्स पावर प्लस बियर्स पावर, हमारी दोनों ही जो ट्रेंड लाइन है वो जीरो लेवल से ऊपर है अभी। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, थोड़ा सा, अगर हमें ये हमारी बोथ ट्रेंड लाइंस हमारी नीचे जाती हैं ग्राउंड लेवल से, देन विल गो फॉर 5 मिनट्स। ओके, तो गाइस इतना वेट कर लिया, थोड़ा सा और वेट सही क्योंकि $1000 की ट्रेड है भाई, बहुत जिगरा चाहिए $1000 की ट्रेड लगाने के लिए। तो अभी ऐसे ही फालतू में वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी चेंजेस होने स्टार्ट हो गए हैं, ग्रीन कलर की एक बड़ी सी कैंडल बन गई है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि अभी हमें एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर करेंसी पेयर पे कुछ अच्छा सिग्नल मिलने वाला है। तो लेट्स चेंज दी करेंसी एंड देन फाइंड बेस्ट, अगर हमें कुछ और मिलता है तो। ओके, तो यार यहाँ पे भी हमें एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का, यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का कूल सिग्नल मिला था 5 मिनट्स का, 1 2 3 4 5। प्रॉफिट लेते हैं एग्जैक्टली। अगर आप देख पा रहे होंगे गाइस किस तरीके से ग्राफ चल रहा है और किस तरीके से हमारा जो पावर वाली स्ट्रेटजी है किस तरीके से काम कर रही है। एक्यूरेसी 85% है, ये मैंने थंबनेल पे भी लिखा है, क्लिक बेट नहीं है भाई, बिल्कुल भी यूज करो। अगर एक्यूरेसी आपको 85% नहीं मिलती, आप कॉमेंट के सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। बट अगर आपको एक्यूरेसी अच्छी मिलती है, एक ट्रेड के बेसिस पे कभी भी जज मत करो। अगर आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलती है देन अच्छे अच्छे कमेंट्स करना भाई, अपना वैल्यूएबल जो एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर करना। ओके, तो यहां पे देखो हमें एक सिग्नल मिलने वाला था अपवर्ड डायरेक्शन का, बट ये भी नहीं मिला। तो इसका मतलब क्लियरली इंडिकेशंस मिल रहे हैं हमें कि मार्केट कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए। अब देखो यहां पे हमें एक सिग्नल मिल सकता है अगर थोड़ी सी और रेड कलर की कैंडल बनती है ये, तो यहां पे हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल मिल सकता है। सो विल वेट फॉर सम टाइम, हम यहां पे वेट करेंगे। मुझे लगता है हमें 1 मिनट का वेट करना चाहिए। अगर हमारी कैंडल जाती है रेड में फिनिश होती है देन हमें पॉसिबिलिटीज है नेक्स्ट कैंडल के नीचे जाने की। ओके, तो यहां पे भी फिलहाल ग्रीन में हमारी कैंडल फिनिश हुई थी तो पॉसिबिलिटीज कम ही है फिलहाल। ओके, तो अभी हमें करेंसी पेयर चेंज करना चाहिए क्योंकि हमारी कंडीशंस को कोई भी अभी मेट नहीं कर रहा है फिलहाल। देखिए गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको तुरंत तुरंत सिग्नल मिलते रहेंगे कि भाई अभी मिल गया ट्रेड ले लो। नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं हमेशा से आपको कहता हूँ पूरे दिन में आप चाहे एक सिग्नल लो चाहे दो सिग्नल लो, बट अच्छे सिग्नल लो, ये मेरा आपसे रहता है। और एक बात गांठ बांध के रख लो भाई कि यहाँ पे आप 100% विन कभी नहीं करोगे। कोई भी स्ट्रेटजी हो, चाहे कोई आपको गारंटी दे कोई दे, 100% विन आपको कभी नहीं मिलने वाली है। आप मार्टिंगल का यूज करके प्रॉफिट में लैंड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए। चलो वो दूसरा टॉपिक है, उसके ऊपर बाद में आएंगे, बट फिलहाल आते हैं कोई इंडिकेशन पे। ओके,
तो यहाँ पे हम एक सिग्नल मिला था और एक बहुत ही अच्छा सिग्नल था, बट हमने वो भी मिस कर दिया एंड माइट बी टाइमिंग वीडियो बनाने का शायद अच्छा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन का एक सिग्नल हमें मिला है और मैंने 5 मिनट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है। तो भैया क्यों प्लेस की है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ग्राफ को और यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बोथ ट्रेंड लाइंस, अगर मैं बात करूं बुल्स पावर की, अगर मैं बात करता हूं बियर्स पावर की, दोनों ट्रेंड लाइन ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर ही मुझे दिख रहा है। तो अगर मुझे ये ट्रेड एग्जीक्यूट, देखो यहां पे ना एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है, अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो तो व्हाट इज द परफेक्ट एंट्री टाइम। तो यहां पे आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल के फिनिशिंग पे, यानी कि नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे आप अपनी जो ट्रेड है वो प्लेस कर सकते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे क्योंकि, लेकिन यहां पे एक और फैक्टर आता है कि अगर आपका ऑलरेडी बुल्स पावर और बीएस पावर काफी ऊपर है इस ग्राउंड लेवल से, तो क्या आपको ट्रेड प्लेस करनी चाहिए? तो आपको 5 मिनट की नहीं, आपको 1 या 2 मिनट या 3 मिनट की ट्रेड के लिए आप जा सकते हैं। 5 मिनट की ट्रेड एट दैट टाइम थोड़ी रिस्की रहने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। यार एक और चीज, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि ये जो ट्रेड है हम प्रॉफिट में क्लोज करेंगे या लॉस में क्लोज करेंगे, और देखो कि आपका प्रेडिक्शन कितना सही रहता है इस ट्रेड को लेके। आप अपने आप को खुद ही जज करोगे क्योंकि यहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स हैं जो भी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस जो देखते हैं ऑलमोस्ट सब लोग ट्रेड करते हैं। तो अपना खुद को जज करने के लिए ये लाइव सिनेरियो है, ये ट्रेड देखो एंड डिसाइड करो कि क्या होने वाला है। देखो यहां पे जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉफिट हुआ तो ही, मतलब जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, और वीडियो एंड होने के बाद ये देखो कि एग्जैक्टली आपका जो प्रिडिक्शन है वो सही रहता या नहीं रहता। तो अभी फिलहाल जो मैंने ट्रेड प्लेस की थी वो की थी 1792.951 पे, देखो एग्जैक्टली यहां पे, ठीक है, यहां पे, ओके, यहां पे मैंने जो है ट्रेड ऑलमोस्ट प्लेस की थी 57 पे, और अकॉर्डिंग टू माय प्रिडिक्शन ये जो ट्रेड है लगभग यहां पे फिनिश होनी चाहिए, यहां पे 163 पे। बट लेट्स सी, अब ये चीजें कैसे आपको पता लगेंगी, थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ, दैट्स इट। अब हो सकता है कि मेरा जो प्रिडिक्शन है ये इस पर्टिकुलर कैंडल के फिनिशिंग का वो गलत भी हो सकता है एंड सही भी हो सकता है, लेट्स सी। और हो सकता है ये जो ट्रेड है वो हम लॉस भी कर जाएं, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी हमें कैंडल मिली है रेड कलर की, एंड रेड कलर की जैसी कैंडल मिलती है उम्मीदें थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, और अब हमारी जो ये ट्रेड है वो कन्वर्ट हो चुकी है लॉस में। तो अब आपका प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि क्या हो सकता है नेक्स्ट कैंडल पे और क्या हो सकता है इस ट्रेड के साथ, क्योंकि अब रेड कलर की बिल्डिंग्स आपको दिखना स्टार्ट हो गई हैं। जब तक ग्रीन कलर की बिल्डिंग्स थी तब तक कोई बात नहीं भाई, बट दिस टाइम यू कैन सी द कैंडल्स ऑफ रेड कलर्स। तो अब एक जो है रिस्क फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो गया है इस पर्टिकुलर ट्रेड के साथ, एंड रिस्क फैक्टर जब इन्वॉल्व होता है थ्रिल बढ़ता है, तो मजा जरूर आता है आप लोगों को, ये मुझे पता है। अब यहां पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं और जूम करता हूं और बियर पावर को देखेंगे, बुल्स पावर को, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रखता है बुल्स पावर, ये काफी ज्यादा नीचे चला गया यार, मतलब एकदम फॉल ले लिया इसने। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो ट्रेड प्लेस की थी जैसे कि मैंने आपको कहा काफी ऊपर जा चुका था बुल्स पावर, और दैट टाइम हमने ये जो ट्रेड है वो प्लेस की थी, तो ये रीजन था इसका। तो ये चीज को थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। और अबाउट दी स्टेबल मार्केट एंड द मार्केट जहां पे ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं उसके बारे में लोगों मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो अभी की जो आप सिचुएशन देखेंगे ना, दैट इज सिचुएशन इज काइंड ऑफ लाइक आइडियल सिचुएशन, यहां पे ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है मार्केट, एंड दैट इज गुड। अगर मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है तो ये अच्छी बात है, यहां पे ऐसी सिचुएशन में ट्रेड लेने में मजा आता है। जो आप अभी सिचुएशन देख सकते हैं, मार्केट की कंडीशंस देख सकते हैं, ऐसे में आप जब ट्रेड लेते हैं तो मजा आता है। जब मार्केट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है 1 मिनट की कैंडल के ऊपर, दैट टाइम जो ट्रेड है वो डिफिकल्ट हो जाती है आप सभी के लिए और मेरे लिए भी ऑफकोर्स, लेकिन दैट टाइम काम आता है मार्केटिंग इंपैक्ट, मार्केटिंग न्यूज। अगर आपने नहीं देखी है तो आप सीरीज चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देखो कि मार्केटिंग इंपैक्ट के साथ आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, प्लेलिस्ट भी मिलेगी यार, सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, चैनल के साथ रहो, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें आसान करूंगा, और प्रॉमिस किया था फर्स्ट डे और आने वाले टाइम में भी सारी चीजें, अभी आप देखेंगे काफी सारी चीजें आसान हो चुकी है ट्रेडिंग से रिगार्डिंग और पेमेंट से रिगार्डिंग, आने वाले टाइम में आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या प्लान है, क्या क्या चीजें हो सकती है। अभी फिलहाल आते हैं ट्रेड के ऊपर, तो भाई कॉमेंट्री कैसी लगी ये भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फर्दर वीडियोज के लिए कॉमेंट्री चाहिए या फिर स्किप वाली वीडियो चाहिए जरूर बताना। और अभी हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है और नेक्स्ट कैंडल
बन गई है रेड, छोटी सी, ओके ओके, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ओके ओके, एंड वी वॉन द ट्रेड, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके कॉन्ग्रेचुलेट टू मी एक्चुअली, बट डेफिनेटली जो अमाउंट है इसका गिव अवे करने वाला हूँ मैं, ओके तो यहाँ पे हम जीत गए ऑलमोस्ट 900 समथिंग डॉलर्स, लाइक 800 समथिंग डॉलर्स, ओके तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट और ये जो वीडियो है, कॉमेंट्री, ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर जरूर करना, और एक्साइटिंग वीडियोज के लिए स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।